पासनी इलाके की गली नंबर 6 स्थित फैक्ट्री में बुधवार सुबह पति द्वारा पेट्रोल उड़ट कर पत्नी को जलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बासनी जांच अधिकारी श्रीचंद मीणा ने बताया कि आरोपी पति अनूप को बासनी इलाके से ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है और अपनी पत्नी को जलाने के बाद फरार हो चुका था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की वारदात के बाद जोधपुर में ही था, वहीं उसकी पत्नी रश्मिता का उपचार महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है, जिसका हालत नाजुक बनी हुई है। उसका 90% शरीर झुलस चुका है। पत्नी के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में लगी हुई थी। क्या काम किया? 21/10/2018 को पुलिस थाने पर इतना मिली कि एक महिला को जला दिया गया है। तुरंत घटनास्थल मौके पर पहुंचा राजेश मोटर्स के सामने, वहां पर महिला जली हुई थी। फायर ब्रिगेड को कॉल किया, उस दौरान महिला को एम्बुलेंस जरिए एमजीएस बलिनाथ में भर्ती कराया गया। उस दौरान महिला के बयान लिए गए, महिला के बयान के आधार पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस पर टीम गठित करके मुलजिम अनूप राम को गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। उसको कल रात के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट अदालत में पेश किया जाएगा, इस रिमांड लिया जाएगा। महिला की हालत अभी कैसी है? महिला की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, उसको गैर इलाज है एनजीएस में। Audio Jungle.